स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 6.1 का सोल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का। इसके ठीक पिछले क्लास में हम लोगों ने इस 6.1 के लिए क्या कंसेप्ट हो सकता है उसको देखा, तो उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे ज़रूर देखिएगा। और लेक्चर को कैसे प्राप्त करना है, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लिंक प्राप्त करना है। जब भी पढ़ाई करें सिस्टमेटिक नोट्स बनाएं। नोट्स रहने पर क्या होता है कि आपका जो रिवीजन का टाइम आता है तो उस समय आपको काफ़ी हेल्प मिलता है, ठीक है ना। जब चैप्टर कोई पढ़ाई होती है तो उस समय क्या होता है कि अच्छा समझ में आता है। जैसे वो चैप्टर ख़त्म होता है दूसरे चैप्टर में आप आते हैं तो पहला चैप्टर का थोड़ा सा आदमी मिस करने लगता है कंसेप्ट को, और दूसरे चैप्टर में समझ में ज़्यादा आने लगता है। तो आप चाहते हैं कि पूरे सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करें, नोट्स बनाइएगा और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेरे लाइव क्लास के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं NCERT बुक का। बुक सामने रखिए, जब भी सोल्यूशन करने जाएं हम किसी एक्सरसाइज का तो बुक को रखना है सामने। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में समझाएंगे सब कुछ। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर बराबर 3 cm, आर बराबर 4 cm। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्या किस चीज के सापेक्ष में, तो इसके त्रिज्या के सापेक्ष में। देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट आर बराबर रेडियस ऑफ ए सर्किल। मान लिया कि आर क्या हो गया, वृत्त का त्रिज्या हो गया, इसलिए एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेक्चर वाले क्लास में क्या किया हमने, सब कुछ बताया है, तो जब तक आप लेक्चर नहीं देखें तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर जरूर देखिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर लें लेक्चर को। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, अब लिखेंगे नाउ डी ए बाई डी किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, सापेक्ष में किसके सापेक्ष में, त्रिज्या के सापेक्ष में, तो नीचे हो जाएगा आर। इसके सापेक्ष में कहेगा वो नीचे लिख देंगे डी ए बाई डी आर बराबर पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डी आर स्क्वायर बाई डी आर। चलिए पाई आ गया यहाँ पे, इसका हो जाएगा पावर पीछे आएगा और पावर में से एक हम लोग कम कर देंगे। देखिए तो ये हो गया पाई 2 और ये हो गया आर, मतलब क्या मिल गया हमको 2 पाई आर। क्या चीज़ मिला हमको, डी ए बाई डी आर का मान मिल गया 2 पाई आर। क्या मिल गया हमको, 2 पाई आर मिल गया। इतना तो आप देख लिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पहला टी ए बाई डी आर एट एक्स बराबर सॉरी आर बराबर एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो आर बराबर कहाँ पे, तो आर का मान 3 दिया है। हमने क्या बताया है कि जो रिजल्ट आया है उसमें आर के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 2 पाई गुने 3 क्या होगा, 3 दुना 6 पाई। अब कैसे लिखेंगे इसका इकाई यूनिट कैसे लिखते हैं, ऊपर है एरिया, एरिया क्या होता है cm में दिया है ना, त्रिज्या cm में दिया है किताब में, तो cm स्क्वायर, नीचे आर है तो पर cm। ये NCERT बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, इसमें सोचिएगा कि पूरा फुल खजाना मिले आपको कंसेप्ट का, तो बउआ ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए क्लास अटेंड करना पड़ता है, लाइव क्लास या लेक्चर अटेंड करना पड़ता है ना। अच्छा डी ए बाई डी आर एट एक्स बराबर दूसरा दिया है 4। चलिए तो फटाफट बताइए आंसर इसका क्या होगा, हम नहीं बनाने वाले हैं, क्या करना है इस आर के स्थान पर क्या रखना है हमको, इस आर के स्थान पर 4 रख देना है, क्लियर। तो चलिए फटाफट बताइए, आप आस्कत करेंगे लेजी आदमी हो गए हैं आप लोग, तो गलत बात है। 2 इंटू पाई इंटू 4
क्या हो जाएगा, 8 पाई सी एम स्क्वायर पर सी एम। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करते हैं फिर से, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मान लिया कि आर क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्किल है, वृत्त का, वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एरिया को, क्षेत्रफल को उसकी त्रिज्या के सापेक्ष में, क्षेत्रफल को उसकी त्रिज्या के सापेक्ष में क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, डी ए बाई डी आर लिखा, मतलब ए का डिफ्रेंशिएशन हम लोग आर के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, नीचे रहेगा टी तो विद रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे। तो मतलब कि ए में त्रिज्या आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर, पाई बाहर हुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग। फार्मूला पता है ना क्या होता है, फार्मूला डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, तो पावर जो होता है वो पीछे होता है एन माइनस वन, तो ये सब होता है। तो ये जो है ना, ये जो बात है, बात समझने का प्रयास कीजिए। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किए हैं, पावर में से घटा दिए तो टू पाई आर आ गया। तो यहाँ हमको मेन सिस्टम मिल गया, समझिए कि मशीन मिल गया, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि अब इस आर के का जो वैल्यू होगा, आर का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग हो सकता है। आर का मान 3 दे दिया यहाँ पे, आर का मान 4 दे दिया, आर का मान 6 दे सकता है, कुछ भी दे, आपको डालते रहना है, आंसर मिलता रहेगा। अब एक और चीज़ सीखने वाली इसमें है कि कैसे हम लोग इसका यूनिट कन्फर्म करें, ये चीज़ समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए है, तो आर देखिए, आर अगर मान लीजिए सी एम में दिया गया है, आर किस में दिया गया है, सी एम में दिया गया है, जब आर सी एम में है तो एरिया कैसे निकलेगा बोलिए, एरिया निकलेगा सी एम स्क्वायर के रूप में, है कि नहीं है। तो सी एम, तब अब मान के चलिए जब सी एम में आर है तो एरिया सी एम स्क्वायर के रूप में निकलेगा। डी ए बाई डी आर, ऊपर ए है नीचे आर है, तो सी एम स्क्वायर अपर सी एम, अगर मान लीजिए कहता डी ए बाई डी टी तो क्या होता, सी एम स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे लिखते। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो देखेंगे ना आप लोग, तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। इसमें कुछ विशेष थ्योरी नहीं है, फिर भी हम थ्योरी बनाकर अलग लेक्चर दिए हैं इस एक्सरसाइज के लिए, इस टॉपिक के लिए, रेट मेजर के लिए। तो लेक्चर वन हुआ था, उसके बेस पर एनसीईआरटी बुक के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया में चलता है, किसी पर्टिकुलर बुक को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर टाइम नहीं देते हैं आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जितना देर में हम समझाए तब तक स्क्रीनशॉट आप ले सकते थे और फिर मतलब कि आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बुक को सामने रखिए और पढ़िए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सी एम क्यूब पर सेकेंड। रुकिए, क्यूब की बात हो रही है, पहले सोल्यूशन लिखेंगे, दूसरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट एक्स बराबर साइड ऑफ ए क्यूब। क्यूब का क्या हो गया, साइड मान लिया, माना कि घन का साइड है, भुजा है, इसलिए वॉल्यूम भी बराबर क्या हो जाएगा, साइड क्यू एक्स क्यू हो जाएगा। अब लिखेंगे यहां पे, नाउ कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सी एम पर सेकेंड। अच्छा सुनिए, तो दिया है कि डी भी 8 सी एम, देख समझिए, इसी से समझेंगे, 8 सी एम पर सेकेंड, किसके सापेक्ष में बात की जा रही है, ये तो वॉल्यूम है, ठीक है, डी भी लगा दिया हमने, और ये सेकेंड किसकी बात कर रही है कि टी के रिस्पेक्ट में बात करो, तो डी भी बाई डी टी तभी तो होगा। बराबर कितना दिया गया है, वो दिया गया है 8 सी एम। अच्छा इंक्रीजिंग कह रहा है, अगर कह रहा है इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में है, तो प्लस में लिख दिया 8 यहाँ पे, अगर रहता क्या रहता, डिक्रीजिंग रहता, समझते चलिए बहुत कुछ सिखाएंगे, तो क्या लगाते, -8 लिखते, क्या लिखते, -8 लिखते। -8 जो है वो डिक्रीजिंग को बता रहा है, +8 जो है क्या बता रहा है, वो इंक्रीजिंग को बता रहा है। डिक्रीजिंग वर्ड का यूज होगा, माइनस में लिखेंगे, इंक्रीजिंग वर्ड का मतलब होगा प्लस में लिखेंगे, राइट।
चलिए तो अब आते हैं बात पे। तो ये हो गया आठ, सीधे यहाँ आठ सी हम लिखेंगे, सीधे लिखेंगे आठ। चलिए अब देखिए इसका हम लोगों को करना है डिफरेंशिएशन। तो डी एक्स क्यू भी का मान रख रहे हैं, बाई पावर के अंदर का चीज नीचे होता है सिखाए हम, डी एक्स बाई डी टी बराबर एट, एट के बराबर है। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं बुआ, हम क्या किए मतलब एक्चुअली बात ये थी डी एक्स क्यू बाई डी टी का ऐसे करने वाले थे हम लोग। तो हम लोग मतलब कि इसको ऐसे कैसे बना सकते थे, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स गुने डी एक्स बाई डी टी ऐसे तो कर सकते थे, ऐसे होने वाला है ठीक है ना। चेन रूल अप्लाई करके, चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे ही अप्लाई करेंगे ठीक है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर गुने डी एक्स बाई डी टी ठीक है इक्वल टू आठ। तो इसलिए डी एक्स बाई डी टी बराबर एट बाई थ्री एक्स स्क्वायर, एट बाई थ्री एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यों क्यों लिख दिए हम, बच्चा से बोलेगा सर क्या अभी कन्फ्यूज स्क्वायर सॉरी। चलिए तो एट बाई थ्री एक्स स्क्वायर रहेगा ठीक है, इतना आ गया। अब बात बनती है क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। लिखेंगे अगेन पुनः लेट एस बराबर सरफेस एरिया, बड़े प्यार से पढ़ाए थे हम फार्मूला सब, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए, सिक्स एक्स स्क्वायर या डी एस बाई डी टी का हो जाएगा छ बाहर रहेगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी टी, देखिए छ हो गया ये कितना हो गया टू एक्स हो जाएगा सीधे, एक्स पीछे आया पावर में से घट गया। और डी एक्स बाई डी टी इसका मान कितना है, देखिए यहाँ निकाले हुए हैं इसीलिए तो निकाले थे हम, क्लियर एट बाई थ्री एक्स स्क्वायर। कटिंग कटिंग होगा क्या, होगा बिल्कुल, तीन दुना छः दो मरतबे, और x ये उड़ जाएगा एक x बचेगा, तो मतलब क्या बच रहा है बालक, आठ दुना सोलह बटा x। तो इसलिए डी एस बटा डी टी एट एक्स बराबर दिया है, इसमें बालक दिया है क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि एज जो साइड है उसका मान 12 सीएम हो जाए तो क्या होगा, तो 16 बटा 12 क्या होगा कटा देंगे 4 बटा 3। और लिखिए यह है एस, एस सीएम में दिया है क्वेश्चन, तो सीएम स्क्वायर पर सेकेंड ऐसे हम लोग क्लियर कर लेंगे। आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है, फिर भी समझाते हैं एक बार अच्छा से आपको। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक देख सकते हैं हम लोग, गुना गलती किए हैं क्या देखते हैं, चार दूसरा चार चार अठे बत्तीस, सॉरी 32 होगा ये, उतना होता है माइनर मिस्टेक कैलकुलेशन में, 32 बाई एक्स राइट, तो 32 बाई एक्स है तो ये 16 बाई 12 ये सब खत्म हो गया हटा दीजिए टेंशन ना लीजिए, 32 बाई 12 कटाएंगे तो क्या आएगा, चार से कटाइए चार अठे बत्तीस चार तीय बारह, आठ बटा तीन सी एम स्क्वायर पर सेकेंड। आइए फिर समझा जाए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक क्या है क्यूब है घन है ठीक है ना, इसका जो वॉल्यूम है ना उसका वॉल्यूम मान लीजिए भी है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उस समय के अनुसार डी टी टी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है एट सी एम पर सेकेंड, एट सी एम एट सी एम क्यूब पर सेकेंड के स्पीड से वो चेंज हो रहा है। तो लेट मैंने माना x बराबर साइड ऑफ ए क्यूब, मान लिया कि x क्या है क्यूब का साइड है, क्या है क्यूब का साइड है क्लियर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम भी बराबर x क्यूब भुजा क्यूब होता है। अब ये दिया है, ये दिया है सीधे समझिए बढ़िया से, ये दिया है तो अगर हम लोग x भी का मान रखें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना आठ मिलेगा,
तो अब इसका क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर कैसे हो बताया है हम, तो हमको यहाँ से ये निकाल लेना है स्पष्ट, ये निकल गया यहाँ पे, ये हमारा काम करेगा। अब कह रहा है कि सरफेस एरिया के बारे में सोचिए कि सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा जब भुजा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए 12 cm हो जाए। एस बराबर सरफेस एरिया, एस बराबर 6x² हो गया, डी एस बाई डी टी करेंगे तो 6 बाहर होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी टी। अब इसका मान क्या था यहाँ पे कंफर्म किए हैं, यहाँ पे पुट कर दिए, सॉल्यूशन किए, हमको आ गया 32/x। अब जहाँ पे 32/x आया है उसमें देखा कि x का मान 12 कर रहा है क्वेश्चन में, तो 12 पुट करेंगे, कटाने पर आएगा 8/3। एस है ऊपर एस तो सी एम स्क्वायर लिखेंगे, नीचे क्या है टी है तो पर सेकेंड लिखेंगे, और हमारा फाइनल सोल्यूशन ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको अच्छा से समझने का प्रयास इस तरह करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन बुक में देखिए पढ़ रहे हम, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s। बस इतना रुकते हैं, सोल्यूशन करते हैं पहले, फिर बाद में आगे बढ़ाते हैं बात को। कह रहे कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग, रेडियस बढ़ रहा है, लेट तीसरा क्वेश्चन है, आर बराबर रेडियस ऑफ ए सर्किल, आर बराबर रेडियस ऑफ ए सर्किल, आर क्या हो गया रेडियस, सर्किल का रेडियस हो गया। फाइंड द, अब लिखिए कह रहा है क्या कि ये इंक्रीज कर रहा है, डी आर बाई डी टी आराम से इंक्रीज कर रहा है, क्या दिया है तो 3 cm/s, गुड, मतलब 3 लिख देना चाहिए हमको यहाँ पे, तो इस cm/s यहाँ पे जो है ना ये हटा देंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, दिया है यहाँ पे डी आर बाई डी टी दिया है 3 cm/s, क्लियर, अब लिख दीजिए 3 cm/s, बाद में देखा जाएगा। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, नाउ आगे बढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग, तो बताइए कि एरिया में कैसे इंक्रीजिंग होगा जब रेडियस बढ़ते बढ़ते क्या हो जाए 10 cm हो जाए। सर्किल है, रेडियस उसका बढ़ रहा है धीरे धीरे, पता चला कि हर सेकेंड कुछ ना कुछ, हर सेकेंड 3 cm बढ़ जा रहा है, 3 cm बढ़ रहा है, 1 सेकेंड पर 3 cm बढ़ा, दूसरे सेकेंड पर 3 cm बढ़ा, तीसरे सेकेंड पर 3 cm बढ़ा, ऐसे करते करते मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 10 cm इसकी लेंथ जब हो जाए तो उसका एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा है ये बताना है आपको, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ ए बराबर एरिया ऑफ ए सर्किल, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसलिए डी ए बट्टा डी टी क्या हो जाएगा, पाई बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ऐसे लिखिए डी आर स्क्वायर बाई डी आर गुने डी आर बाई डी टी, ऐसे लिखा हमने, तो अब क्या हो जाएगा 2πr गुने, इसका मान कितना है बालक, इसका मान लाए हैं 3, तो 3 डाल दीजिए इसमें, तो 3 × 6πr क्या हो गया 6πr, तो dA बाई dt बराबर 6πr, तो इसलिए dA बटा dt एट r बराबर क्या चीज, आर का मान 10 cm है, तो क्या हो जाएगा 6 × 6π × 10, 6 × 60 = 60π, और लिखिए यूनिट ऊपर है a तो cm², नीचे है क्या t तो cm² per second, cm² क्या हो गया पर सेकेंड, और यहीं क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया आपका शानदार आंसर हो गया। तो फिर समझाते हैं आपको, क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस है वृत्त का, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है तो 1 सेकेंड में 3 cm, तो मान लीजिए कि रेडियस आर है, रेडियस ऑफ ए सर्किल, तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा 3 cm/s हो जाएगा, ये लिखा हमने। अब कह रहे हैं कि एरिया में कैसे इंक्रीजमेंट होगा, मतलब रेडियस बढ़ रहा है एरिया भी तो बढ़ेगा ना, तो एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है बताइए हमको, तो मान लीजिए कि ए एरिया है तो ए का मान कितना होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, डी ए बटा डी टी, तो यहाँ पे एक टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पाई कांस्टेंट है, डी आर स्क्वायर बाई डी आर, डी आर बाई डी टी, ये सब कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है,
चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं देखें आप तो 7 लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, देखने के बाद कम से कम 2 लेक्चर देख के जरूर आइए इस क्लास में। फर्स्ट 2 लेक्चर देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, तब समझ में आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे 3 × 6 पाई आर मिल गया। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से उठा कर रख दिया हमने, यहाँ से। अब क्या किया हमने कि यहाँ सिंपल बात क्या हुआ है यहाँ पे कि आर का मान मेंशन किया कि 10 cm, ये 20 भी कह सकता है, 50 भी कह सकता है। तो क्या करेंगे हम आराम से यहाँ पे लाके 10 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 60 cm² per second। अब ये cm² का फंडा कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये आया है आपको कहाँ से कि यहाँ पे ए है नीचे टी है, तो ए का मतलब cm में दिया था रेडियस, रेडियस cm में दिया था, रेडियस किसने मेंशन किया था, रेडियस जो था वो cm में है, तो एरिया किस में होगा, cm² में हो जाएगा। और फिर टी है नीचे तो cm², टी किस में लेते हैं हम लोग, सेकेंड में लेते हैं, मेंशन किया है सेकेंड, सेकेंड में लेंगे, मिनट भी कह सकता था, ठीक है ना। तो सो ये तीसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, बस देखते चलिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन आपसे सभी ने निवेदन है कि आप सब लोग एक बात बताइए कि बुक आपके सामने है कि नहीं, बुक को सामने रख के पढ़िए। देखिए कह रहा है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm per second, क्यूब की बात है, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट एक्स बराबर साइड लिखे चाहे एज लिखे बात बराबर है, साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब का साइड मान लिया, इसलिए dx/dt, इसमें कैसे चेंजिंग हो रहा है, चेंज ऑफ रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है यहाँ पे, तो इसमें चेंज का रेट क्या है 3 cm per second, 3 cm per second, चलिए cm per second की बात है। अब लिखेंगे नाउ तो हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 cm, तो वॉल्यूम भी बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पे, या भी बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, इसलिए dt क्या हो जाएगा, dx³/dx × dx/dt। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 3x²dx/dt, यहाँ देखिए, अब यहाँ सिंपल बात है 3x² लिखा हमने, इसका कितना मान है, इसका मान तो 3 है, 3 लिख दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया dx/dt लिख दिया हमने, क्या हो गया 3x²/3 हो गया। अब यहाँ पे आइए dx/dt बराबर 9x², इसलिए dv/dt 9x² हो गया। तो dv/dt एट दिया है क्वेश्चन में, x का मान कितना रखना है 10 रखना है, तो क्या हो जाएगा 9 × 10² कितना होगा 900। अब सुनिए लिखिए यूनिट यहाँ पे है भी, तो भी का मतलब क्यूब, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो cm³/t है तो सेकेंड, यही आंसर होगा 900 cm³/s। चलिए फिर से रिपीट करते हैं इस बात को, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यूब का घन का जो साइड है एज है वो 3 cm/s बढ़ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे x साइड मान लिया हमने, तो dx/dt यहाँ पे क्लियर हो गया, 3 cm/s लिख दिया हमने। भी क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो भी का मान कितना होगा x³ होगा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इतना मिलेगा, लेकिन ये तो फंस जाएगा मैटर, फंसेगा तो फायदा होगा 3 रख देंगे यहाँ पे, 3 × 3 = 9, 9x². तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब x का मान दिया है 10 रखेंगे, इतना आ गया। बुक को सामने रख के काम कीजिए नहीं तो नहीं समझ में आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग जल्दी से फटाफट। तो 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
आते हैं अब पांचवे नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को और समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। गांव में बड़ा खेल खेले हैं आप लोग, तुरंत क्या बोलते हैं ना, ढेला उठाया पत्थर और आराम से बगल में पानी का जो तालाब है, पोखर है, उसने फेंक दिया पॉन्ड में। तो क्या होता है, पानी जैसे फेंकते हैं, जैसे मान के चलिए आपका एक मतलब कि जैसे कुछ भी हो, क्वाइट लेक है, मतलब ऐसे मान के चलिए हम इजूम करते हैं कि ये ऐसे गोला ही है पानी का, ये तालाब है मान लीजिए, पानी साफ शांत है, साफ शांत। आपने क्या किया, एक आराम से इसमें टेपा फेंक दिया। टेपा का मतलब अपने लग में जो बोले हैं ढेला, थर्स्टिंग की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ढेला फेंका आपने। तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, देखिए आप ऐसे ऐसे गोला गोला बनना शुरू होता है, देखते नहीं देखते हैं, ऐसे ऐसे गोला गोला बनना शुरू होता है। जहाँ कब तक बनेगा, जब तक जाके वो किनारा से ना टकरा जाए, है ना, किनारा से टकराने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। तो बच्चे खेल भी खेलते हैं, हम लोग बचपन में बड़ा खेल खेले ऐसे मार कर, तुम कितना कर रहा है, वो कितना कर रहा है, ऐसे करके बड़ा मजा आता है, राइट। तो साइंस का खेलता नहीं समझ में आता था उस समय बचपन में, अब समझ में आया। तो कह रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल्स। सर्किल में वेव मूव करता है, पता है ना, वहीं से वेव का जो थ्योरी पढ़ाया जाता है, इसी से एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे पानी में हम लोग एक ढेला को फेंकते हैं तो क्या होता है, तो जो हलचल होती है, वैसे ही वेव थ्योरी में सर पढ़ाए होंगे, मतलब वेव के क्लास कराए होंगे तब, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 5 cm पर सेकेंड के स्पीड से क्या हो रहा है, वेव मूव कर रहा है सर्किल। अब 5 cm पर सेकेंड का मतलब क्या, कि एक सेकेंड में 5 cm बढ़ जा रहा है, फिर 5 cm बढ़ जा रहा है, 5 cm, तो मतलब रेडियस है ना, बढ़ रहा है इसका रेडियस, अगर सर्किल समझते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे लेट आर बराबर रेडियस, रेडियस मान लिया हमने, इसलिए क्या दे दिया है, डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, 5 cm पर सेकेंड, ये दे दिया गया, दिया है आपको। अब कहा जा रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्किल वेव इज 8 cm, ऐसा भी समय आएगा जहां पे वो कभी ना कभी 8 cm 10 cm जगह हो जाएगा, तो 8 cm वाउ फास्ट इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो अगर मान लीजिए कि बढ़ते बढ़ते वो 8 cm तक बढ़ जाए, ये दूसरा चीज है, ये स्पीड है उसकी, एक सेकेंड में 5 cm बढ़ रहा है, तो जब उसका बढ़ते बढ़ते 8 मतलब कि cm हो जाए, तो उसके एरिया कितना कवर करेगा, ये बताना है हमको। सॉल्यूशन आसान है, नाउ ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए डी ए बटा डी आर, पाई चलिए 2πr हो जाएगा, चलिए यहाँ पे, तो इसलिए डी, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ समझना है, क्वेश्चन समझ, गलती हो जाएगा ना यहाँ पे, वो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने रेट से एरिया बदल रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो टी की बात होगी बालक, तो लिखेंगे डी आर बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है ना, और डी आर बाई डी टी का मान कितना है, 5 रख दीजिए यहाँ पे, 5, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5 × 10 पाई आर, तो इसीलिए डी ए बट्टा डी टी क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में क्यों किया है हम, बात मन में आना चाहिए ना, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्किल सर्कुलर वेव इज 8 cm हाउ फास्ट इंक्रीज एरिया इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो कितने तेजी से वो मतलब कि उसके एरिया बदलेगा। तो पहले ही कह रहे हैं कि टी के रिस्पेक्ट में बात कर दिया है, तो सब काम टी के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो एट आर बराबर कितना, 10 cm, तो क्या हो जाएगा, 8 cm क्या हो जाएगा, 10π × 8 10^80 cm² per second यहीं क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे बनाएंगे बुआ, समझ में आया ना बात, ऐसे बनाएंगे तो काम आसान रहेगा। चलिए अब हम लोग इसको ज़्यादा टाइम नहीं देकर 6th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कि 6th नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। चलिए पेज पलटते हुए इंग्लिश मीडियम बुक का आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बुक में देखिए, करें रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 cm/s। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट आर बराबर रेडियस ऑफ
ए सर्किल, इसलिए डी आर बट्टा डी टी क्या हो जाएगा 0.7 cm। क्लियर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सर्कमफ्रेंस नाउ, लेट सी बराबर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि मान लिया हमने सी, इसलिए सी बराबर क्या होगा 2πr या dc by dt बराबर 2π गुने dr by dt। अब यहाँ पे क्या होगा 2π इंटू 0.7, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 7 × 14 1.4π cm स्क्वायर पर, सॉरी cm स्क्वायर नहीं लिखेंगे, cm स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस भी क्या होते है? देखते हैं ना, जो वृत्त की परिधि होती है सरकमफ्रेंस होता है वो भी cm में या मीटर में ही आता है, तो cm पर और सेकेंड, गुड, ये होगा, ये भी होगा cm पर पर सेकेंड। देखिए एक मन में बात आता होगा, सर कैसे आप मन लिख दे रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है सर, आप बात नहीं समझ रहे हैं समझिए यहाँ पे कैसे किया आपने सर, ये 2π आराम से बाहर कर दिए, 2π आराम से बाहर करके, तो कांस्टेंट था बताए थे हम, कांस्टेंट था ये, तो कांस्टेंट बाहर ही ना होगा, डिफरेंशिएशन का रूल नहीं पढ़े हैं, तो डिफरेंशिएशन का रूल पढ़िए, बेसिक रूल और चेन रूल पढ़ के आइएगा ना, मज़ा आएगा। आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जीवन में कैसे यूज होगा, तो फिर डिफरेंशिएशन पढ़ के आना चाहिए ना, है कि नहीं है। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेगा, चलते हैं, आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm पर मिनट, मिनट की बात है, एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 cm पर मिनट, व्हेन एक्स बराबर 8 वाई बराबर 6 फाइंड द रेट ऑफ, दो क्वेश्चन है, पर मीटर एंड रेक्टेंगल का एरिया। देखिए इसमें क्या है ना कि एक रेक्टेंगल है, कौन सा क्वेश्चन 7 नंबर, रेक्टेंगल है ठीक है ना, आयत है, और आयत में लंबाई दिया है x, चौड़ाई दिया है y, बात क्लियर, इतना ही समझिए, ज़्यादा समझ नहीं कर सकता आपको नहीं है ठीक है ना, 90-90 सब बनबे करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़े है ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में लिखेंगे, यहाँ पे गिवन एक्स बराबर लेंथ ऑफ क्या चीज, रेक्टेंगल, वाई बराबर विद उसका चौड़ाई है रेक्टेंगल ठीक है, एंड और कुछ दिया है dx by dt, क्या दिया है dx by dt दिया गया है क्या, तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहा है, तो -5 cm पर मिनट घट रहा है, एंड dy by dt क्या दिया है बालक, तो इंक्रीजिंग है 4 cm पर मिनट। नाउ आइए नाउ करके, पहला p बराबर क्या होता है पेरीमीटर 2 × x + y, तो इसलिए dp by dt क्या हो जाएगा, दो बाहर हो जाएगा, dx by dt प्लस dy by dt है ना। चलिए मान रखिए, तो 2 × -5 + 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस, देखिए ये आएगा 1 − 1 × 2 − 2 − 2 cm पर मिनट, ये हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, पर मीटर डिक्रीज कर रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
इसको कैसे लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा 2 cm/min डिक्रीजिंग, यह आंसर हो जाएगा। माने डिक्रीजिंग ले दिया तो माइनस हट जाएगा, माइनस है तो नहीं हटेगा, माने नहीं दिखाएगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो रहा है, माइनस बता रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 cm/min डिक्रीजिंग। अच्छा, ए बराबर क्या होता है, एक्स इंटू वाई, इसलिए डी ए बटा डी टी क्या होगा, एक्स पहले को फंक्शन को बाहर किया, वाई को डिफ्रेंशिएट किया, फार्मूला हो गया ये। फिर क्या किया हमने, बोलिए, वाई को बाहर किया, एक्स को डिफ्रेंशिएट किया। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स का मान 8 cm हो जाता है, और डिवाइडिटी कितना है, 4 है, 4 प्लस वाई का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए ग्राफ में देखिए 6 cm दिया है, इसका कितना है तो -5, तो 32 - 30 कितना होगा, 2 cm/min आंसर। तो प्लस में आया तो इंक्रीज कर रहा है एरिया, माइनस में आया तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब ये सब कहाँ से आया, देखिए कहाँ से आया, तो एक्स का मान दिया है 8, वाई का मान दिया है 6 cm, ये दिया है बगल में, देखिए किताब में दिया है, किताब और खोल कर बैठेंगे तो ना समझ में आएगा, वीडियो दिख रहे हैं तो किताब खोल कर बैठिए ना भाई, तब ना समझ में आएगा। देखिए ये सब पढ़ने वाला चीज़ है, जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, पढ़ पढ़ के एक लाइन को समझिए, जब हम समझाएं उसके बाद को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आते हैं आगे, और 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन पर बोलते हैं हमला, है ना, देखिए कैसे होता है। 8वां पे देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास करना है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल, एक बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रह रहा है, मतलब गोलीय गोला के रूप में रह रहा है, ऑन इन्फ्लेशन मतलब फुलाने पर, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग द, पंपिंग समझ रहे ना, हवा भर भर के फुलाते हैं गुब्बारा, 9 cm/s, फाइंड रेट ऑफ चेंज क्यूबिक पर, क्यूबिक देखिए 900 क्यूबिक मतलब cm³/s, अच्छा क्यू आ गया मतलब वॉल्यूम की बात कर दिया, सेकेंड आ गया मतलब टाइम की बात कर दिया, सही पकड़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ ए बैलून इंक्रीज, तो उसका रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है बताना है हमको, सॉल्यूशन ये कैसे करेंगे, सॉल्यूशन तो करना है लेट आर बराबर रेडियस ऑफ वायलून, इसलिए भी बराबर क्या होगा 4/3 πr³, क्लियर। सो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, dv/dt क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, 4π/3 को बाहर निकाल देंगे और dr³ गुने अप्लाई कर रहे हैं चेन रूल dr/dt। अब सुनिए यहाँ पे लिख देंगे इसका मान है 900, क्या है 900 बराबर 4π/4π का मतलब खटिया नहीं भाई, 4π/3 लिख दिए, 3r² गुने dr/dt, और इस बात को थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा कि चूँकि dv/dt जो था ना ये बड़े आराम से प्यार से दिया है cm³/s, ठीक है। चलिए अब ये कट जाएगा और कटने वाले, चलिए dr/dt क्या होगा, 900 तो लिख देंगे, 900 बट्टा एक आएगा 4π r² आ जाएगा, इतना ना, इतना गुने इतना है तो इतना क्या हो जाएगा, इतना बटा ये नहीं हो जाएगा, तो इसलिए dr/dt, r का मान कितना हो गया पंपिंग करने पर, r का मान लिख दिया 15, तब क्या होगा 900 बट, तो
कितना हो गया 900 बट्टा 225 × 4 900 आएगा, पाई कट जाएगा, कितना आ गया, तो ये आ गया 1 बट्टा पाई, आर है ऊपर, सी एम पर सेकेंड, क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि मतलब कैसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, राइट। तो 6.1 में हम लोग 8 क्वेश्चन क्या हुआ, सोल्व करना सीख लिए, राइट। चलिए आगे भी देखते हैं और क्वेश्चन को, ठीक है।